हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग ये बात करेंगे कि कैन कैंपर कोला बी एक्चुअली अ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर कंपनीज लाइक वरुण बेवरेजेस एंड कोका कोला इन इंडिया। सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार में फिर एक नई जंग की तैयारी चल रही है। रिलायंस ने एक पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा को खरीद लिया है। कैंपा कोला इज गोइंग टू बी द न्यू एलिफेंट इन द रूम, लेट्स कॉल इट दैट, बिकॉज़ देयर आर टू एलिफेंट्स, दैट्स इट। सॉफ्ट ड्रिंक्स के धुरंधरों कोक और पेप्सी में भी हलचल पैदा कर दी है। क्या कैंपा फिर से बाजार में छा सकती है? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो हम लोग पेप्सी और कोको कोला का जो थ्रेट है कैंपा कोला से, हम उसकी बात करेंगे। एंड थ्रेट की बात करने से पहले हम पूरी इंडस्ट्री को स्क्रैच से समझेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री को समझना स्क्रैच से, ये बहुत ही एक फन इंडस्ट्री है समझना, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हम बार बार अपनी डेली लाइफ में देखते ही देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आपको एक ये भी बताना चाहूंगा कि वीडियो के बीच में देर इज ऑल्सो फ्री बुक गिव अवे, एंड बुक का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग माइकल पोर्टर बाय जोआन मैग्रेटा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एवर बुक्स दैट आई हैव रेड। एंड जिसके पास भी ये बुक जाएगी, आई विल लाइक सिंसियरली रिक्वेस्ट यू कि आप इस बुक को कम से कम 4-5 बार ही पढ़ें अगले 2 साल के अंदर, बिकॉज द अमाउंट ऑफ लर्निंग दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस बुक विल बी अनपैरेलल्ड। क्योंकि इंडस्ट्री को समझना इस बुक से बेटर आपको कोई और बुक नहीं सिखा सकती। तो आज के बिजनेस एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे बेवरेज इंडस्ट्री की, एंड साथ साथ हम बात करेंगे द लॉन्च ऑफ कैंपा कोला की। जब हम इंडिया में बेवरेज इंडस्ट्री को देखते हैं, एक तो अल्कोहलिक बेवरेजेस आती हैं और एक आती है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो हम नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, और अगर आप नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस भी देखते हैं तो उसमें भी दो टाइप्स की सेगमेंटेशन आती है। पहली सेगमेंटेशन कौन सी है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या आएगा, तो आपको एग्जांपल दिखाता हूं। तो जैसे यहाँ पे पेप्सी आप देख सकते हैं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। अगर आप यहाँ पे कोको कोला देखते हैं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि आप देखेंगे तो दीज आर एरिएटेड ड्रिंक्स, राइट। इनमें जो गैस के बबल्स होते हैं वो भी होते हैं। माउंटेन ड्यू का एग्जाम्पल लेंगे, दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। अगर आप एपी फिज का भी एग्जाम्पल लेते हैं, सो दिस इज अ फ्रूट बेस्ड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, अगर आप एपी फिज की बात करते हैं। देन साथ साथ अगर रीजनल ब्रांड्स की बात करते हैं, तो अगेन यहाँ पे दिल्ली के अंदर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रिंक्स। मेरे को नहीं पता कितने लोग ये दिल्ली से भी वीडियो देख रहे हैं, पर दिल्ली में भी जनरली कॉल दिस बंटा, जो एक मतलब कांच की पहले बॉटल में मिलता था, बट अब ये भी प्लास्टिक की बॉटल में मिलने लग गया है। देन अगर आप देखेंगे तो कैच करके कंपनियां हैं जो नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड है। सो दिस बिलोंग्स टू द धर्मपाल सत्यापाल ग्रुप। सो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। तो वो ड्रिंक्स जो एरिएटेड है, दीज आर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। एंड इन ड्रिंक्स की जो मार्केट साइज है, दैट इज क्लोज टू 13,500 करोड़ टुडे। तो इन ड्रिंक्स का जो मार्केट साइज है 13,500 करोड़ का है, पर इस मार्केट की जो ग्रोथ है वो सिर्फ 10-11% की है। 10-11% की क्यों है, क्योंकि पीपल आर नाउ बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, एंड हेल्थ कॉन्शियस के साथ साथ लोगों को ये भी रियलाइज हो रहा है कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक हमारी हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं है। बट अब कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट को अगर हम छोड़ेंगे, तो एक चीज आप याद रखना कि जब हम एनर्जी ड्रिंक्स की भी बात करेंगे, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। पर अगर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट को छोड़ेंगे, तो आपके सामने एक मार्केट आएगी नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स की, जिसके अंदर जूसेस होंगे, वाटर होएगा, एंड ऑल टाइप्स ऑफ अदर ड्रिंक्स होंगे। तो ऑल टाइप्स ऑफ अदर ड्रिंक्स कौन सी आती हैं, तो इस मार्केट का जो साइज है टोटल में, आज ये मार्केट ऑलमोस्ट 15,000-17,000 करोड़ की है, बट ये मार्केट 15-20% पर एनम पे ग्रो कर रही है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी डेयरी बेस्ड ड्रिंक्स हैं वो भी आती हैं, जूसेस आते हैं, यहाँ तक आपकी जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं विदाउट बीइंग एरिएटेड वो भी इसके अंदर आती हैं, एंड साथ साथ जो विटामिन ड्रिंक्स हैं वो भी आती हैं, यहाँ तक जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है वो भी इस इंडस्ट्री का एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एग्जांपल्स लेता हूँ। तो पहले अगर आप डेयरी बेस्ड ड्रिंक्स की बात करेंगे, तो आपके सामने अमूल लस्सी होगी, अमूल लस्सी आप सबने ट्राई करी होगी। देन क्रीम बेल का आजकल नॉर्थ इंडिया के अंदर बेसिकली शेक्स आ रहे हैं, सो दिस इज एन एग्जांपल। आईटीसी का अगर आप देखेंगे तो डार्क फैंटेसी चॉकलेट शेक है, सो अगेन सनफीस्ट का ये ड्रिंक है, राइट। सो जितनी भी डेयरी बेस्ड ड्रिंक है वो इस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। तो एक और एग्जाम्पल दूंगा, अगर आप ब्रिटानिया का एग्जाम्पल लेंगे, तो ब्रिटानिया की भी जो डेयरी बेस्ड मिल्क ड्रिंक्स आती हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक।
एंड साथ साथ अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो दिस इज अगेन बाय पार्ले, तो स्मूथ करके ड्रिंक का नाम है, सिर्फ 80 ml का पैक है। तो इंडस्ट्री के अंदर एक और भी क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर मैं आपके साथ एपी फिज यहाँ पे शेयर करूँ या फिर स्मूथ की बात करूँ या फ्रूटी की बात करूँ, तो इंडस्ट्री वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स मोर एंड मोर अफोर्डेबल फॉर यू। अफोर्डेबल क्यों? बिकॉज अगर सिर्फ 200 ml या 150 ml की बॉटल्स में कंजम्पशन है, तो जस्ट इमेजिन की जो रूरल एरियाज हैं वहां पर इनकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, क्योंकि सिर्फ 10 rupees का पैकेट होगा, दिस ये 125 ml का जो पैक है, अगेन दिस विल बी ऑल्सो फॉर 10 rupees, सो अगेन प्राइसेज विल बी चीपर, राइट? अगर प्राइस चीपर है तो जो बहुत अफोर्डेबल सेगमेंट है उनके लिए इनको अफोर्ड करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड अगर आप फ्रूटी का एग्जाम्पल लेंगे, सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल एंड यू कैन सी 10 rupees का फ्रूटी है, यहाँ पे 10 rupees का फ्रूटी है और इसका जो लाइक साइज है पूरा 125 ml का है, एपी भी 10 rupees का है, साइज कितने का 125 ml का। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेंड विच इज हैपनिंग इन द इंटायर इंडस्ट्री। फिर एग्जाम्पल लेते हैं, तो गेटोरेड का एग्जाम्पल लेते हैं, सो दिस इज एन एनर्जी ड्रिंक विच इज नॉट एरिएटेड। तो गेटोरेड वैसे अगर आप देखेंगे तो 35 से 40 rupees की आती है, आई थिंक 50 rupees के इस प्राइस रेंज में आती है, बट अगेन क्योंकि इंडिया एक अफोर्डेबल मार्केट है, सो नॉट एवरी वन कैन पे 40-50 rupees फॉर अ बॉटल ऑफ गेटोरेड, तो इस वजह से इसको छोटे पेट बॉटल में लॉन्च करके अब इसका प्राइस क्या कर दिया, 20 rupees के आसपास, राइट? अगर आप 500 ml वाली लेते हैं तो आज वो भी 45-50 rupees की आती है, बट अगर आप 20 rupees वाली लेते हैं तो ये 250 ml के आसपास की बॉटल है। तो सिमिलरली क्योंकि ये इट इज ओन्ड बाय पेप्सी, तो पेप्सी से कॉम्पीट करने के लिए जो आपका कोको कोला है, तो कोको कोला ने भी एक रिस्पॉन्स में निकाली, दैट इज लिम्का स्पोर्ट्स, एंड जो लिम्का स्पोर्ट्स है अगेन ये 250 ml की बॉटल है, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर लाइक 20 rupees। इसका मेरे को एग्जाम्पल कैसे पता है, क्योंकि ये जब ड्रिंक लॉन्च हो रही थी तो मेरे जिम के अंदर इसकी स्टैंडीज लगी हुई थी एंड हमें एक्चुअली फॉर अ वीक फ्री ड्रिंक्स मिली थी लिम्का स्पोर्ट्स की पीने के लिए। अगेन जिम के पास क्यों लेके गए, बिकॉज दे नो कि स्पोर्ट्स ओरिएंटेड पीपल और वर्कआउट ओरिएंटेड पीपल माइट प्रेफर दिस, राइट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। और एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे विटामिन ड्रिंक्स आएंगे आपके सामने, राइट? सो दीज आर विटामिन ड्रिंक्स, कहने को विटामिन ड्रिंक्स है, बट 100 ml के अंदर 6-7 grams का शुगर है, राइट? सो दिस इज जस्ट फ्लेवर्ड वाटर, लाइक वाइल्ड का आता है, लाइक ओशियन का आता है, बट अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। होपफुली आपको सारी कैटेगरीज अभी क्लियर होते जा रही होंगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, तो जूस के अंदर अगर आप देखेंगे तो जूस के अंदर मिनट मेड का आता है, दिस इज ओन्ड बाय कोको कोला। फिर ट्रॉपिकाना देखते हैं, दिस इज अगेन ओन्ड बाय पेप्सी एंड बॉटल मैन्युफैक्चर्ड बाय वरुण बेवरेजेस। एंड ट्रॉपिकाना में भी अब बहुत सारे एसकेयूज आ गए हैं, 200 ml, 150 ml, 250 ml, 350 ml, 500 ml, सो मल्टीपल एसकेयूज हैव स्टार्टेड कमिंग इन। एंड फ्रूटी तो ऑल टाइम आ ही रहे, तो दिस इज अ मैंगो बेस्ड ड्रिंक विच कम्पीट्स विद स्लाइस। एक टाइम पे मनपसंद बेवरेज नाम की कंपनी होती थी विच ऑल्सो वॉन्टेड टू कम्पीट विद इट, बट उस कंपनी के ना फ्रॉड ही बाहर आ गया, राइट? सो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जूस बेस्ड ड्रिंक्स। सो फाइनली कमिंग टू दैट पार्ट ऑफ द मार्केट विच इज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट ऑफ द मार्केट, दैट इज एनर्जी ड्रिंक्स। तो एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर मैं आपके साथ जो फर्स्ट कंपनी जिससे मैं स्टार्ट करूंगा, दैट इज रेड बुल। तो रेड बुल एक्चुअली में इफ यू नो, सो इट फेल्ड द टेस्ट टेस्ट। जब रेड बुल का इंट्रोडक्शन हो रहा था तो एक्चुअली में इट फेल्ड द टेस्ट टेस्ट एंड पीपल स्टिल स्टार्टेड बाइंग इट, क्योंकि लोग इसको एक्सट्रीम से एसोसिएट करते हैं। बोर्ड्स का एग्जाम है, राइट? तो कई लोगों को सुबह एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करनी है, तो अगर ऑल नाइटर निकाल लें बच्चों को, तो लाइक तो दे अगेन प्रेफर कैफीन ड्रिंक्स, राइट? सो अगेन अगर कॉलेज का एग्जाम है, कॉलेज की कोई प्रेजेंटेशन है, कैफीन ड्रिंक्स। अगर कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट कर रहे हैं तो कैफीन ड्रिंक्स, दैट इज रेडबुल। एंड दीज ड्रिंक्स हैव हाई कैफीन एंड हाई शुगर कॉन्टेंट, राइट? तो ये अपने आप को एक्सट्रीम से एसोसिएट कर रहे हैं। आप इनकी एडवर्टीजमेंट भी देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट में भी यही होगा कि 80,000 feet के ऊपर जाके लोग छलांग मार रहे हैं पैराशूट से, विच विल बी द वर्ल्ड्स longest sky dive, and that will also give you an idea that again you are associating yourself with extreme events. So Red Bull ke aane ke baad US ke andar aisi koi dusri kaun si drink aayi by the name of Monster Beverage, and Monster Beverage ka jo stock price hai, that is more than 100 bagger in US in last 20 years, and it is one of the best performing stocks because Red Bull ne apne aapko extreme se associate kara, inhone apne aapko further jaake aur extreme se associate kar liya। नाउ अगेन इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको एथिकल या मॉरल प्रीचिंग करूं, आपको ये चीजें पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। सिंपल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू एक्सप्लेन यू इंडस्ट्री। आपने पीनी है नहीं पीनी, दैट इज योर ओन कॉल। बट अगेन मॉन्स्टर बेवरेज का एग्जांपल लेते हैं, सो यहाँ पे कैफीन कंटेंट इज इवन हायर देन रेड बुल, राइट? एंड जो यूएस के अंदर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अंडरग्रेड कर रहे हैं उनके अमंग्स दिस इज अ वेरी फेमस ड्रिंक। या जो यंग जो स्पोर्ट्समैन है, जो स्केटबोर्डिंग कंपटीशन है, मॉन्स्टर ट्रक कंपटीशन है, उसमें मॉन्स्टर बेवरेज इट रियली हिट ऑफ, लाइक इट रियली क्लिक्ड। तो रेड बुल वॉज केटरिंग टू एक्सट्रीम, मॉन्स्टर वेंट इवन फर्दर एंड स्टार्टेड केटरिंग टू इन इवन अ फर्दर एक्सट्रीम, राइट? तो
दैट इज एन एग्जाम्पल. इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुई कि अगर आप रेडबुल का जो प्राइस देखते हैं, सो दिस बॉटल ऑफ सो दिस कैन ऑफ रेडबुल जो 250 ml का है, इट इज क्लोज टू फॉर 125 रुपीज. अब 125 रुपए एक ड्रिंक पे देने के लिए नॉट मेनी पीपल हैव दैट परचेजिंग पावर, लाइक नॉट मेनी पीपल हैव दैट परचेजिंग पावर क्या 125 रुपीज की एक ड्रिंक ले लें. फिर अगर आप मॉन्स्टर बेवरेज का एग्जांपल देखते हैं, तो मॉन्स्टर बेवरेज तो एक्चुअली में और भी महंगी है. तो इट इज दिस कैन इज फॉर मोर देन 150 रुपीज एंड 500 ml का ये कैन है. तो इट इज इवन प्राइसियर देन रेड बुल. तो ये मार्केट सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कंपनीज ने अपनी वैल्यू एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करी जो 20 रुपीज की है. अगर आप स्टिंग का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये 20 रुपीज की है. एंड आज स्टिंग, राइट, सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, रेडबुल वॉज लॉन्च इन 2009 एंड रेडबुल का जो रेवेन्यू है आज इंडिया में, इट इज क्लोज टू 800 टू 900 करोड़. स्टिंग वॉज लॉन्च इन 2017, बट 2019 में इसका प्राइस 50 रुपीज से 20 रुपीज कर दिया गया. एंड इन लास्ट 3 to 4 ईयर्स इस ड्रिंक अलोन का जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है टू पेप्सी इंडिया इज मोर देन 1200 करोड़, राइट. सो एक्चुअली में इंडिया क्या है, एक वैल्यू मार्केट. इंडिया इज नॉट विलिंग टू पे लाइक हायर प्राइसेस फॉर स्टफ लाइक मोर देन 100 रुपीज और 200 रुपीज फॉर एन एनर्जी ड्रिंक, राइट. सो दिस अगेन चीपर, अगेन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड, राइट. सो अगेन लाइक बेसिकली अगर जो कोक करेगा वो पेप्सी करेगा, जो पेप्सी करेगा वो कोक करेगा. तो इट इज ओन बाय थम्स अप विच इज ओन बाय कोको कोला एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 20 रुपीज, राइट. एंड अगेन एन आइडिया कि वैल्यू एनर्जी ड्रिंक का मार्केट इंडिया में हैज टेकन ऑफ. स्टिंग गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. एंड अगर आप नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे किराने वालों से बात करोगे, सो दे विल बी ओनली स्टॉकिंग अप स्टिंग, बट चार्ज इज ट्राइंग टू मेक अप द लॉस्ट ग्राउंड. अभी विकी कौशल को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर करा है एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एडवर्टाइज एंड एसोसिएट देमसेल्व्स. बट अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग पार्ट्स ऑफ द मार्केट जहां पे ग्रोथ इज मच हायर देन 20% एज वेल, क्योंकि स्टिंग का जो एक्चुअली में वॉल्यूम ग्रोथ है लास्ट 3-4 ईयर्स में इट हैज बीन मोर देन 160%, राइट, बिकॉज ये कैटेगरी नई क्रिएट हो रही है आज इंडिया के अंदर. देन फाइनली और एग्जाम्पल लेते हैं. सो दिस इज अ नॉन अल्कोहलिक बियर, राइट. सो दिस इज नॉट एन अल्कोहलिक बियर बट एक नॉन अल्कोहलिक बियर है. तो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल कि ये भी आपकी जो नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट्स है तो उसके अंदर इसका एक रोल आता है. सो दिस इज द इंटायर कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्री एंड पूरी इंडस्ट्री को आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. तो जब हम कैंपा कोला की अभी ये बात कर रहे हैं, तो कैंपा कोला ऑरिजिनली इज एंटरिंग इनटू दिस कैटेगरी, दैट इज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक कैटेगरी. तो इसके साथ हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कैंपा कोला, एक कोला बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए क्या डीएनए चाहिए, बिकॉज इट इज अ डुओपोलिस्टिक इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो कैसी कंपनीज ने यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करी है अपार्ट फ्रॉम कोको कोला एंड पेप्सी. सो दीज हैव बीन कंपनीज विच एक्चुअली आइडेंटिफाइड अ नीश, वो कोला बिजनेस के अंदर एंटर नहीं करी. तो एग्जाम्पल देता हूँ, तो यहाँ पे नेशनल बेवरेज कॉर्प करके एक कंपनी है यूएसए के अंदर जो एक ड्रिंक लेके आई बाय द नेम ऑफ लाक्रॉइक्स. लाक्रॉइक्स क्या है, इट इज प्योरली अ फ्लेवर्ड वाटर विद जीरो कैलरीज विद जीरो शुगर्स, राइट. जीरो कैलरीज, जीरो शुगर एंड इट हैज विटामिंस एंड ऑल्सो इट्स एन एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक, राइट. सो इट्स अ ड्रिंक विच इज बेस्ड आउट ऑफ यूएस. कोई यूएस रहते तो आपने ट्राई करिए कि, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. सो लाक्रॉइक्स इज एन एग्जाम्पल. अनदर एग्जाम्पल दैट कम्स टू माइंड जो बाहर वेल्थ क्रिएट करिए, दैट इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ क्यूरिग. क्यूरिग क्या बनाती है, आपने डॉक्टर पेपर्स देखा आएगा. अगेन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक, बट अगेन डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट नीश को अटैक करें. आप सिर्फ कोला, आप जो कोला फ्लेवर है उसकी तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि कोला मार्केट को ऑलरेडी इट्स अ हाई कैलरी मार्केट, इट्स एन अनहेल्दी मार्केट. एंड अनहेल्दी मार्केट में ऑलरेडी थम्स अप, कोको कोला एंड पेप्सी ने जो अपना टेस्ट का फीडबैक लूप है वो क्रिएट कर रखा है, राइट. सो दिस इज वाई क्यूरिग एक्चुअली जो डॉक्टर पेपर आता है उसके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में आने लगे. इट कम्स इन मल्टीपल फ्लेवर्स, ब्लूबेरी फ्लेवर एंड अदर टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स. सो दैट इज एन आइडिया कि वेल्थ क्रिएशन इस मार्केट में होती है. सो दैट इज बाय अटैकिंग अ डिफरेंट कैटेगरी एंड नॉट बाय द कोला कैटेगरी एज सीन अब्रॉड. इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है एंड क्या पॉइंट्स हमें की ट्रैक करने हैं. एंड ऑल्सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि वाई मॉन्स्टर बेवरेज हैज बीन मोर देन 100 बैगर इज बिकॉज इट अटैक्ड अ डिफरेंट कैटेगरी. क्या डिफरेंट कैटेगरी, कि रेडबुल से भी जो एक्सट्रीम का एक्सट्रीम है उस पर जाके मैं अटैक कर रहा हूँ, क्योंकि रेडबुल की जो एवरेज ड्रिंकिंग पॉपुलेशन की एज है दैट इज बिटवीन 30 to 35. लाइक मॉन्स्टर बेवरेज की जो एवरेज ड्रिंकिंग पॉपुलेशन है एज है दैट इज बिटवीन 18 to 25. तो एक और भी यूएस के अंदर ड्रिंक आती है बाय द नेम ऑफ फाइवर एनर्जी. तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं एंड ऑफिस से लंच लेके आए होते हैं, तो हाउ डू दे गेट लाइक दिस डोज ऑफ एनर्जी. कोई कैन तो पीना ही नहीं चाहता पूरा, राइट. फाइवर एनर्जी शॉट आता है, सो यू कैन जस्ट हैव दैट शॉट एंड इट विल बी अ हाई कैफीन शॉट. जो लोग यूएस में रहते हैं उनको पता आएगा,
And that is also an idea which an Indian entrepreneur got. And that also is a multi-billion dollar corporation now. So again, एक different category को जाके attack करा और एक customer की need को address करा. मेरे को नहीं पता India में भी ऐसे कितनी categories को attack हो सकते हैं. But this is an idea जो western countries में develop हुआ है. इसके साथ अब हम Campa Cola and साथ साथ will it destroy Varun Beverages, Moat और Coca-Cola in India? हम उसकी बात start करते हैं. तो एंड ऑफ 2022 में एंड बिगिनिंग ऑफ 2023 में रिलायंस ने अक्वायर करा था Campa Cola को एंड सोशियो को भी अक्वायर करा जो एक और बेवरेजेस मैन्युफैक्चरर है बेस्ड आउट ऑफ गुजरात. पर रिलायंस की क्या स्ट्रैटेजी है कंज्यूमर बिजनेस में? अगर हम बेवरेजेस बिजनेस की बात करें तो हमें कंज्यूमर बिजनेस की स्ट्रैटेजी समझनी जरूरी है. तो रिलायंस रिटेल की जब हम बात करते हैं तो रिलायंस रिटेल का एक ग्रैंड प्लान है. क्या ग्रैंड प्लान है? अगर आप दुनिया भर में देखते हैं तो चाहे आप कॉस्टको का एग्जाम्पल है जो एक रिटेलर है बेस्ड आउट ऑफ यूएस, चाहे आप एग्जाम्पल है वॉलमार्ट का, तो रिटेलर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं, बिकॉज इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ते जाती है, इन कस्टमर्स इनके पास आते हैं, दैट दे स्टार्ट लॉन्चिंग प्राइवेट लेबल्स. या तो प्राइवेट लेबल्स लॉन्च करते हैं या तो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करते हैं. तो 2022 में रिलायंस ने डिसाइड करा कि हम लोग इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करके ऑलमोस्ट क्लोज टू 6.5 बिलियन डॉलर्स या 50,000 करोड़ का अपना खुद का प्राइवेट लेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं, जो आज सिर्फ 3500 करोड़ का है इन स्पाइट ऑफ सो मच सेल्स, मतलब आज लेस देन 10% ऑफ सेल्स है रिलायंस रिटेल का. एंड रिलायंस ऐसा क्यों सोच रहा था? क्योंकि रिलायंस के पास आज रिलायंस रिटेल के अंदर ऑलमोस्ट 15,000 स्टोर्स हैं, पर रिटेल के अंदर भी क्या है कि उनका ट्रेंड्स का भी स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी स्टोर है, एंड साथ साथ अभी उनका जो ज्वेलरी का भी स्टोर है, साथ साथ रिलायंस शूज भी आता है इसमें, एंड देन साथ साथ रिलायंस फ्रेश एंड रिलायंस स्मार्ट है एंड जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं. पर टोटल में हम एक एस्टिमेट लगाते हैं 10,000 to 11,000 स्टोर्स इनके जो होंगे दैट विल बी प्योरली मेंट फॉर ग्रोसरी परचेजेस एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड. तो यहाँ पे इस वजह से पर्पस था एक्वायर करने का. सेकेंड रीजन क्या है कि जो अगर आप जियो मार्ट को एग्जाम्पल लेते हैं तो जियो मार्ट एंड्रॉयड के ऊपर हैज क्रॉस 5 crore डाउनलोड्स. फॉर जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अमेजोन के मोर देन 10 crore डाउनलोड्स हैं. तो अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप ट्राई करेंगे कि आप ब्रांड्स को अक्वायर करके कस्टमर्स को मार्केट करें. तो इस वजह से ग्रैंड स्ट्रैटेजी में क्या रहता है जितने भी रिटेल आउटलेट्स होते हैं कि हम खुद के प्राइवेट लेबल्स मैन्युफैक्चर करें और फिर उनको अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सेल करें. बट सेलिंग में क्या प्रॉब्लम होती है या क्या फ़ायदा होता है? तो पहले प्रॉब्लम की आपके साथ एग्जाम्पल लेता हूँ. तो मैं रिसेंटली एक रिलायंस के स्टोर गया था एंड वहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट देखा स्नैक टैग के नाम से. किसके नाम से? स्नैक टैग के नाम से. एंड स्नैक टैग इज एक्चुअली अ कॉपीकैट प्रोडक्ट ऑफ मैगी. पर आप में से कई लोगों ने स्नैक टैग नहीं खाया होगा बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ ब्रांड एंड दिस इज द पावर ऑफ टेस्ट. बट कहीं जो कैटेगरीज होती हैं जहां पे पावर ऑफ ब्रांड और टेस्ट मैटर नहीं करता, वहां पे प्राइवेट लेबल्स कैन एक्चुअली बिकम अ ह्यूज स्मैशिंग हिट, क्योंकि वहां पे कस्टमर और भी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव हो जाते हैं. तो यहां पे मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करता हूं. अगर आप क्राफ्ट हेन्स का एग्जांपल लेते हैं जो एक यूएस बेस्ड एफएमसीजी कंपनी है, तो वहां पे उनका मोड डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज कॉस्टको जैसी कंपनी आई एंड कॉस्टको ने एक ब्रांड लॉन्च करा कर्कलैंड के नाम से. कर्कलैंड वॉज लॉन्च 25-30 ईयर्स अगो, जो उनका खुद का प्राइवेट लेबल है. माने कॉस्टको एक किराने की दुकान है और वो अपना खुद का प्राइवेट लेबल बेचती है एंड दे डिस्ट्रॉयड अ 100 ईयर ओल्ड ब्रांड दैट इज क्राफ्ट हेन्स. क्राफ्ट हेन्स के एक केचप के अलावा जो बाकी उनके प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइट लेबल प्रोडक्ट्स थे, जैसे मिल्क का एग्जाम्पल हो गया, चीज का एग्जाम्पल हो गया, तो ऐसी कैटेगरीज में जहाँ पे टेस्ट बहुत मैटर नहीं करता वहाँ पे ब्रांड्स, वहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय करा जा सकते हैं थ्रू प्राइवेट लेबल्स. एंड कर्कलैंड की 25-30 ईयर्स में टुडे दे सेल मोर देन क्राफ्ट हेन्स विच इज मोर देन अ 100 ईयर ओल्ड ब्रांड. सो रिमेंबर दिस. तो ये स्ट्रैटेजी रिलायंस की है. सो इस स्ट्रैटेजी में इन्होंने सिर्फ Campa Cola या सोशो को ही अक्वायर नहीं करा, दे ऑल्सो रिसेंटली ऑल्सो अक्वायर्ड लोटस चॉकलेट्स एंड दे आर ऑल्सो इन टच विद गार्डन नमकीन्स फ्रॉम कैविन केयर, लहुरी जीरा एंड बिंदु बेवरेजेस. तो लास्ट ईयर उन्होंने क्या लेआउट करा था कि हम 30 ब्रांड्स को अक्वायर करना चाहेंगे, लोकल ब्रांड्स को अक्वायर करके ट्राई करेंगे उनको नेशनल ब्रांड्स में क्रिएट करने की. तो ये तो हमें स्ट्रैटेजी समझ आई. फिर हम Campa Cola की हिस्ट्री देखते हैं कि क्या Campa Cola एक्चुअली में एक नेशनल ब्रांड बन सकता है, नहीं बन सकता. हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो देख लिया कि इनके पास मोर देन 5 crore ऐप डाउनलोड्स हैं एंड खुद के 10,000 to 11,000 स्टोर्स हैं, ये तो हमने चीज़ देख ली. बट अगर एक बार हम ये बात करते हैं कि क्या एक नेशनल ब्रांड बन सकता है या नहीं बन सकता, तो Campa Cola के जो ओनर है उनका नाम था प्योर ड्रिंक्स ग्रुप. एंड प्योर ड्रिंक्स ग्रुप एक्चुअली में 1949 में स्टार्ट हुआ था एंड जब स्टार्ट हुआ था ये कोका कोला के बॉटलर होते थे इंडिया में. तो कोका कोला के साथ लाइक पार्टनरशिप में यहाँ पे कोका कोला मैन्युफैक्चर करते थे. पर 1977 में क्या हुआ, जनता गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है सो दे हैव टू बी लिजिट पार्टनर्स, माने इक्विटी स्टेक देना पड़ेगा.
तो कोको कोला को इक्विटी स्टेक देने में प्रॉब्लम थी, एंड साथ साथ सेकंड बिगर इशू क्या था कि कोको कोला को अपना जो सीक्रेट रेसिपी है वो कैंपा कोला साथ शेयर करना पड़ता अगर इक्विटी स्टेक देते कंपनी में। इस वजह से कोको कोला ने मार्केट 1977 में क्विट कर दी, एंड जनता गवर्नमेंट ने उस टाइम पे अपनी खुद की एक ड्रिंक लॉन्च करी बाय द नेम ऑफ 77, जो 1 या 2 ईयर्स के अंदर ही एक्चुअली में बंद हो गई थी, एंड उसके बाद उतना अच्छा नहीं करी तो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन बंद हो गया था। तो उसके प्रोडक्शन बंद होने के बाद मार्केट के अंदर एक वैक्यूम था, एंड कैंपा कोला ने खुद का ड्रिंक लॉन्च करा बाय द नेम ऑफ कैंपा कोला। तो ये दो फ्लेवर्स में आता था, कोला एंड ऑरेंज, एंड 1970s to 1980s में दिस ड्रिंक यूज टू बी अ स्मैशिंग हिट। पर 1980s और 90s की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कैंपा कोला के जो बॉटलिंग यूनिट्स थे देवर बेस्ड आउट ऑफ 2 cities, दैट इज दिल्ली एंड सेकेंड इज वॉर्ली इन मुंबई। तो यही प्रॉब्लम आती है रीजनल ब्रांड्स में। अगर कोई ये वीडियो साउथ इंडिया से देख रहा है, और इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न इंडिया से भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के अलावा आप सबने कैंपा कोला का इतना नाम नहीं सुना होगा, बिकॉज वहाँ पे कैंपा कोला उस टाइम पे बॉटलिंग यूनिट्स ही नहीं थे। तो अगर आप पूरी बेवरेज इंडस्ट्री की वैल्यू चेन देखते हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस वीडियो, बिकॉज दिस विल मेक यू लाइक अंडरस्टैंड कि क्या चलता है इस इंडस्ट्री में। तो एक तो सिरप और फॉर्मूला प्रोड्यूसर होएगा, दैट इज पेप्सी एंड कोको कोला। तो पेप्सी एंड कोको कोला हर जगह जाके बॉटलिंग यूनिट नहीं लगाते। फिर एक मैन्युफैक्चरर और बॉटलर होएगा, जैसे अगर आप वरुण बेवरेजेस की बात करते हैं इंडिया में तो दैट इज अ बॉटलर फॉर पेप्सी इन इंडिया। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर्स होंगे, एंड फाइनली फिर कस्टमर्स आएंगे। तो इस पूरे सिनेरियो में क्या होता है कि जो बॉटलर्स हैं, बॉटलर्स के पास डिपोज होते हैं, व्हीकल्स होती हैं, एंड साथ साथ बॉटलर्स क्या करते हैं दैट दे ऑल्सो इंस्टॉल वीसी कूलर्स। कूलर्स आपने देखे होंगे कि किराने की दुकान पे आजकल, तो अगर आप वसंत कुंज प्रियाज भी जाते हैं तो आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो फ्रिजेस लगे होते हैं, जो छोटे छोटे फ्रिजेस हैं, जो वीसी कूलर्स हैं, तो दोज आर पेनिट्रेटिंग अ लॉट इन द कंट्री, बिकॉज अगर उनकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपकी बेवरेजेस की भी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, बिकॉज ये एक ऐसी आइटम है जो हम तब पीते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा थर्स्ट होती है या तो हीट हो रही होती है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स। अगर आप सिरप और कॉन्सेंट्रेट सेलर की बात करेंगे पेप्सी और कोका कोला की, तो ये ब्रांड के बिजनेस में ये लोग मार्केटिंग करते हैं और अपना जो कॉन्सेंट्रेट और सिरप है वो जो बॉटलर्स होते हैं उनको सेल करते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में एग्जांपल लेते हैं तो कोको कोला के जो बॉटलर्स हैं तो दैट इज मून बेवरेजेस एक एग्जांपल है, एंड सेकंड जो बॉटलर है इसका एग्जांपल देता हूँ, दैट इज हिंदुस्तान कोला बेवरेजेस लिमिटेड, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। सो दिस इज हाउ द इंटायर वैल्यू चेन वर्क्स। तो कैंपा कोला के केस में क्योंकि उनके खुद के ही 2 units थे, उन्होंने बॉटलर्स नहीं असाइन करे ऑल ओवर द कंट्री, तो उनका मोट बहुत ज्यादा वीक था। एंड 1990s में पोस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय मिस्टर मनमोहन सिंह हुआ क्या कि कोको कोला री एंटर्ड द फ्रेम, एंड री एंटर करने के बाद कोको कोला ने बहुत सारे रीजनल ब्रांड्स भी अक्वायर करे, थम्स अप को अक्वायर करा, लिम्का को अक्वायर करा, एंड कोको कोला ने ऐसे ही बॉटलर्स अपॉइंट करने स्टार्ट कर दिए ऑल ओवर द कंट्री। बॉटलर्स अपॉइंट करने के साथ साथ कोको कोला ने नेशनल लेवल पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन करा। कैंपा कोला का अगर हम देखते हैं तो कैंपा कोला ने एक्चुअली में, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कैंपा कोला वॉज द फर्स्ट ब्रांड टू गिव सलमान खान हिज इनिशियल एड। तो आप ये एड भी देख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि जब कैंपा कोला का जो स्केल था बहुत ज्यादा लिमिटेड था क्योंकि आप एक रीजनल ब्रांड ही रह गए, वेरस 1990s में जैसी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई तो कोको कोला ने कंट्री को वापस एंटर करा, एंड वापस एंटर करते ही दे अक्वायर्ड मल्टीपल ब्रांड्स, थम्स अप को अक्वायर करा, माजा को अक्वायर करा, सिट्रा को अक्वायर करा, एंड इनको एक्विजिशन के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी करी और अपना खुद का जो कोको कोला है वो भी लॉन्च करा। तो अगर आप पैन इंडियन प्लेयर बन गए एंड आपने जगह जगह बॉटलिंग ऑपरेशन सेटअप कर दिए, एंड अगर आप एडवर्टाइज भी कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है ब्रांड का। तो ये बात हमें किसने सिखाई, मिस्टर चार्ली मंगर ने इन हिज बुक पुअर चार्लीज एल्मनैक। एंड बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की कंपनी है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स एवर हैज बीन कोको कोला, एंड कोको कोला में आज इनको ऑलमोस्ट इनके परचेजिंग प्राइस का 50% डिविडेंड यील्ड आता है। अगर मैंने 100 rupees का स्टॉक लिया था तो आज मेरे को 50 rupees का डिविडेंड आता है। तो इन वन ऑफ द टॉक्स इन द बुक, टॉक नंबर 6 पुअर चार्लीज एल्मनैक में, तो ये बात करते हैं कि एक ब्रांड बनता कैसे है। तो ये बात करते हैं कि एक क्लासिकल कंडीशनिंग होती है और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि लोगों को हर जगह एड दिखाओ,
कि यार गर्मी हो रही है तो कोको कोला पीनी है, अगर अगर आप बाहर जा रहे हैं पार्टी कर रहे हैं तो आपको कोको कोला पीनी है, अ वुमन इज स्टैंडिंग विद अ कोको कोला नेक्स्ट टू अ कार तो आपको कोको कोला पीनी है। तो एस्पिरेशन दिखाओ, बड़े बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको लेके आओ ताकि लोगों के दिमाग के अंदर एक इंटरेस्ट जागे कि ये कोको कोला है क्या चीज़, एंड लोग एसोसिएशन करने लग जाएं कि हमें जब भी गर्मी लग रही है, हम कोई खाना खा रहे हैं तो वी आर ड्रिंकिंग कोको कोला। दिस इज प्रिसाइसली द रीजन वाई अगर आप किसी भी फास्ट फूड जॉइंट पे जाते हैं तो यू विल सी कि एक डोमिनोज पे जाएंगे तो उनका पेप्सी के साथ टाइप है, सबवे पे जाएंगे तो पेप्सी के साथ टाइप है, मैकडॉनल्ड्स पे जाएंगे तो उनका कोको कोला के साथ टाइप है। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई, क्योंकि एसोसिएशन क्या है कि बर्गर खाएंगे या पिज्जा खाएंगे तो उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक तो होनी ही चाहिए। तो इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, कि आपकी एक एसोसिएशन है दिमाग में। अब सेकंड आ जाते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में। व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि एक्चुअली में जब आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो आपके पास क्या आती है, कैफीन, एंड कैफीन के साथ साथ किसका हिट आता है, शुगर का, एंड साथ साथ थर्ड थिंग है दैट द ड्रिंक इज एरिएटेड, तो इट ऑल्सो गिव्स यू दैट फील कि आप खाना खाने के बाद अगर कोक या पेप्सी पी रहे हैं तो द फूड ऑल्सो वॉशिज डाउन विद इट। तो दिस इज नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये पॉजिटिव फीडबैक लूप है स्पेशली अलॉन्ग विद शुगर। अगर आप कोक जीरो भी देखते हैं या पेप्सी ब्लैक भी देखते हैं तो उसमें भी एक शुगर का टेस्ट आता है, इवन दो वो कोई मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं जिसमें क्लेम करते हैं जीरो शुगर है, बट दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स क्या क्रिएट हुए, एक क्लासिकल कंडीशनिंग में से जो इन्होंने हमें बुक में समझाया कि क्लासिकल कंडीशनिंग से क्या क्रिएट हुआ कोक एंड पेप्सी के बिजनेस में, कि यार हमें कोक पेप्सी तो ट्राई करनी चाहिए क्योंकि हर जगह हमें ऐड भी दिख रही है, एंड साथ साथ अगर गर्मी हो रही है तो कोई चीज़ हमें ठंडी पीने को मिल जाएगी, सो दैट इज वन ऑफ द कंडीशंस, एंड साथ साथ अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे फूड का जो डाइजेशन है दैट ऑल्सो बिकम्स बेटर टाइप्स। बट सेकंड क्या है, सेकंड जो अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं कि एक्चुअली में जब मैं कोक पेप्सी पीता हूँ, एक तो पहली चीज ड्रिंक एरिएटेड होती है राइट, नॉर्मल वाटर से अलग है। सेकंड चीज क्या होती है कि मेरे को कैफीन का टेस्ट, जो कैफीन का एक हिट आता है, साथ साथ शुगर का हिट आता है। सो दिस इज द रीजन फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड इसको आपको क्या करना है कि बार बार हर जगह एड दिखा के एंड हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंचा के कि अगर आज मैं अपनी लेन से भी बाहर निकलता हूं तो मेरे को कोको कोला या पेप्सी मिल जाएगी, तो इतनी ज्यादा वेल इंट्रेंच डिस्ट्रीब्यूशन कर दो कि आपका ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाए। दिस इज वाई पेप्सी एंड कोको कोला ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे तो मोर देन 60% ऑफ द कंट्रीज में ये एक डुओपोलिस्टिक मार्केट बन गई है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एस्टैब्लिश करना, ब्रांड एस्टैब्लिश करना एंड इतना पैसा फेंकना एक प्रोडक्ट के ऊपर मेनी वेरी फ्यू कंपनीज कैन डू। वाई सो वेरी फ्यू कंपनीज, क्योंकि एग्जाम्पल देता हूँ, अगर वरुण बेवरेजेस का एग्जाम्पल लेते हैं तो वरुण बेवरेजेस के पास आज मोर देन 925,000 वीसी कूलर्स हैं, माने आपने इतने सारे फ्रिजेस लगा दिए हैं गांव गांव में जाके या पान वाले के पास जाके या छोटी छोटी किराना की दुकानों पे, कि अगर उनके पास और भी कोई फ्रिज रखने की एक जगह ही नहीं है तो और किसी कंपनी का फ्रिज ही नहीं आएगा, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स। सेकेंड रीजन क्या है कि आज कंपनी के पास देर मोर देन 2500 ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, तो डैट्स अ बॉटलर फॉर पेप्सी, एंड 2500 ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स का क्या है कि एक एसेट हैवी बिजनेस है, आपका 15-20% आरओई रहता है। एंड थर्ड थिंग डैट वी हैव टू रिमेंबर इज कि पेप्सी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वरुण बेवरेजेस एडवर्टाइजिंग नहीं करता, पेप्सी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं एंड नए नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे वरुण बेवरेजेस को दे रहे हैं। जैसे स्टिंग का जो हमने एग्जाम्पल देखा था फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, कि स्टिंग वरुण बेवरेजेस के पास आई एंड 2-3 years में इट इज मोर देन अ 1200 crore सेल ब्रांड। सो दिस इज द आइडिया एंड दिस इज वाई इट इज अ टफ बिजनेस टू क्रैक, बिकॉज आज हम एग्जाम्पल लेते हैं कि रिलायंस का बाय चांस जो मर्चेंट्स हैं उनके जो उनके प्लेटफॉर्म पे, तो जियो मार्ट के पास मर्चेंट्स भी हैं, तो दे आर क्लोज टू 20 lakh साइंड अप मर्चेंट्स विद जियो मार्ट। तो अगर कैंपर कोला का वीसी कूलर नहीं लगता हर किसी किराने वाले की दुकान में, सो अगेन दैट विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज समटाइम्स इट्स एन इम्पल्स परचेज, यार कुछ ठंडा पड़ा हुआ है तो हम ठंडा पी लेते हैं राइट, तो वहां पे क्या आएगा कि अगर वहां पे कोई कूलर वूलर नहीं लगा हुआ एंड अगर आप गर्म कोक पेप्सी का या तो गर्म कैंपर कोला ले रहे हैं तो इट वॉन्ट बी एन इम्पल्स परचेज, सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। तो रिलायंस के लिए इस बिजनेस को क्रैक करने के लिए हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, अगर आप वरुण बेवरेजेस में इन्वेस्टेड हैं या अगर आप ऐसी ये पूरी इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर 4-5 की पॉइंट्स। पहला की पॉइंट है रिलायंस को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग इज मैड एडवर्टाइजिंग, हर जगह एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, कोई ना कोई सेलिब्रिटी आपके प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, एंड यू नीड टू थ्रो 500-1000 crore इन एडवर्टाइजिंग, एंड दैट टू ईयर आफ्टर ईयर, नॉट जस्ट लाइक वन IPL सीजन बट ईयर आफ्टर ईयर, थ्रू आउट द ईयर यू हैव टू डू दिस। सेकेंड थिंग वॉट रिलायंस हैज टू डू, इसकी हर जगह एक बॉटलर अपॉइंट करना पड़ेगा, बिकॉज वॉट रिलायंस हैज टू डू कि आपको हर एक tier 3, tier 4, tier 5 सिटी के अंदर पहुंचना है, अगर tier 3, tier 4, tier 5 सिटी के अंदर नहीं पहुंच पाए तो अगेन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। थर्ड थिंग दैट रिलायंस हैज टू डू टू मेक कैंपर कोला पैन इंडियन ब्रांड इज टू डू टाई अप्स विद फास्ट फूड जॉइंट्स, विच अगेन इज अ रिस्की प्रोपोजिशन, बिकॉज इनके इंटरनेशनल टाई अप्स हैं,
ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो मैकडॉनल्ड्स में आपको कोको कोला मिलने वाली है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो आपको डोमिनोज में पेप्सी मिलने वाली है। सो अगेन दिस इज समथिंग दैट रिलायंस हैज टू डू कि अगर कोई लोकल फास्ट फूड जायंट है तो उनके साथ टाई अप कर लिया, या तो जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके साथ जाके आप टाई अप कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ फूड के साथ कोला की कंजम्पशन जनरली ज़्यादा ही रहती है। एंड फोर्थ थिंग दैट रिलायंस हैज टू डू इज कि दिस विल नॉट बी अ वन और टू ईयर गेम कि यार हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया एंड हम उसको सक्सेसफुल कर देंगे। दिस विल बी अ मल्टी डेकेडल बैटल, माने 5 to 10 years इट विल टेक टू बेसिकली क्रिएट अ मार्क इन दिस इंटायर इंडस्ट्री। सो दीज आर द फोर थिंग्स दैट वी नीड टू क्लोजली ट्रैक कि रिलायंस ये चीज़ें कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड फाइनली वॉट वी नीड टू ट्रैक कि रिलायंस सिर्फ एरिएटेड ड्रिंक्स के अंदर ही है या फिर जूसेस के अंदर भी आ रहा है कैंपाकोला ब्रांड को लेके, या तो अगर सोशियो की बात करते हैं तो सोशियो के अंदर वो क्या क्या चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, एंड सोशियो क्योंकि गुजरात बेस्ड ब्रांड है तो क्या उसकी पैन इंडियन एक्सेप्टेंस आती भी या नहीं आती। सो दीज आर 5 things दैट वी नीड टू क्लोजली ट्रैक। क्या 5 चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए, मैंने आपको क्या 5 चीज़ें केयरफुली बताई कि 5 चीज़ें रिलायंस को ये करनी चाहिए। पर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दे दूँ फेलियर के, तो कर्कलैंड विच इज ओन्ड बाय कॉस्टको विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट लाइक बेस्ट एवर बेसिकली प्राइवेट लेबल ब्रांड, तो कर्कलैंड ने भी कोला का बिजनेस लॉन्च करा था एंड दे हैड टू क्विट द कोला मार्केट। सैम्स कोला भी आती है जो वॉलमार्ट की है, बट सैम्स कोला का इतना अट्रैक्शन नहीं है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे रिव्यूज़ देख लेंगे तो पेप्सी एंड कोका कोला के बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं एज़ कम्पेयर टू सैम्स कोला। इन यूएस में भी अगर आप किसी से बात करेंगे तो सैम्स कोला इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग चीपर इतने लोग सैम्स कोला नहीं पीते। अगर आप कैंपाकोला की प्राइसिंग भी देखते हैं जो इंडिया में आई है, देन प्राइसिंग ऑफ कैंपाकोला इज ऑल्सो मच चीपर देन कोका कोला एंड पेप्सी। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर 10-20 rupees का डिफरेंस है तो अगेन इट वोंट मैटर टू मच। जैसे अगर आप देखते हैं 500 ml बॉटल 20 rupees की है, 30 rupees की 600 ml बॉटल है, 1 liter 40 rupees की है, 2 liter बॉटल 80 rupees की है। वेयर पेप्सी एंड कोक में ऑलरेडी अगर कोका कोला का एग्जांपल लेंगे तो कोका कोला ने रिसेंटली आज से 4-5 months पहले ही प्राइस कट करा था, जिसमें 20 rupees की 500 ml बॉटल आ रही है, एंड पेप्सी की भी रिसेंटली 20 rupees की 500 ml बॉटल आ रही है। सो अगेन टू इंटाइज द कंज्यूमर आप प्राइस कट्स तो जरूर करें, बट जो मैंने पहले 5 चीज़ें लॉन्च बताई आपको, तो दोज 5 things आर की टू रिमेंबर अगर इफ यू आर ट्रैकिंग दिस इंडस्ट्री। बिकॉज अगर उन 5 चीज़ों पर रिलायंस इज वर्किंग वेरी वेरी केयरफुली, देन येस मोट खतरे में हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपका मार्केट शेयर अगर 10-15% रिलायंस का हो जाता है तो इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ है कोला बिजनेस के अंदर वो कम हो सकती है। एंड इंडियन कंपनीज लाइक बिस्लेरी और अगर हम टाटा का भी एग्जांपल लेते हैं, तो बिस्लेरी ने भी फिजी ड्रिंक्स लॉन्च करी थी 2016-2017 में, बट मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ द मार्केट्स टुडे। एंड साथ साथ टाटा ने भी लॉन्च करी थी, टाटा फ्रुस्की लॉन्च करी थी विच वॉज अगेन नॉट अ फिजी ड्रिंक बट अ हेल्थ ओरिएंटेड ड्रिंक, बट अगेन दैट डिडंट डू टू वेल एज अ प्रोडक्ट। एंड साथ साथ टाटा ग्लूको भी लॉन्च हुआ था। सो अगेन दिस इज अ हार्ड कैटेगरी टू क्रैक। सो दिस इज द वीडियो एंड होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो। एंड साथ साथ अगर आपको भी ये सीखना है कि आप इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, बिजनेस एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, फोरेंसिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, एंड 3 W's ऑफ इन्वेस्टिंग आंसर करने हैं, दैट इज वेन टू बाय, वेन टू सेल एंड टिल वेन टू राइड। सो वी टीच ऑल दीज की थिंग्स अंडर 1 SOIC मेंबरशिप, एंड दिस इज इंटायरली अ जर्नी ऑफ अ कोर्स। ये डेस्टिनेशन कोर्स नहीं है कि एक बार ही आके आपने सीखा तो हो गया, दिस इज अ जर्नी ऑफ अ कोर्स विच विल मेक यू इन टू अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, बिकॉज दैट इज वॉट द पर्पज ऑफ SOIC मेंबरशिप इज। इफ यू वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर द SOIC मेंबरशिप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ कमिंग टू द बुक गिव अवे क्वेश्चन। Now coming to the question for the book giveaway, if you want to participate in this book giveaway, make sure that you subscribe to this channel. Agar aap subscriber nahi hai, so make sure that you subscribe and also like this video to be eligible to participate in the competition. So what is the book giveaway question? So simple book giveaway question hai ki is video mein se aapki top 5 key learnings kya thi, एंड साथ साथ अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में आप उनको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। Whosoever has the best top 5 की learnings, we will be selecting 2 winners जिनको अंडरस्टैंडिंग माइकल पोर्टर विद अ पर्सनलाइज नोट फ्रॉम माई सेल्फ आपको आपके घर पे शिप करी जाएगी। सो अगेन व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट वर योर टॉप 5 की लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में उन लर्निंग्स को कैसे लगाएंगे। सो दिस इज अ बुक गिव अवे क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड टू पार्टिसिपेट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू लाइक दिस वीडियो। तो फाइनली कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, तो हम कह सकते हैं कि हमने वीडियो के अंदर क्या सीखा कि हमने पहले पूरी जो बेवरेज इंडस्ट्री उसको कैटेगराइज करना सीखा विद इन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। फिर हमने देखा कि कहाँ पे बहुत तेजी से ग्रोथ आ रही है, कहाँ पे इंडस्ट्री स्टैग्नेट कर रही है। फिर हमने बाहर के एग्जाम्पल्स देखे कि बाहर के एग्जाम्पल्स में कैसे दूसरी कंपनीज ने इंडस्ट्री को क्रैक करे टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स। फिर थर्डली हमने बात करी कैंपाकोला की हिस्ट्री की बात करी। फिर हमने देखा कि जो जो रिलायंस है उन्होंने अक्वायर करा, रिलायंस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन
हेफ्ट है। साथ साथ हमने बात करी कि इफ रिलायंस वॉन्ट्स टू एक्चुअली क्रैक दिस इंडस्ट्री, सो वॉट ऑल आर द थिंग्स दैट रिलायंस नीड्स टू डू, एंड एज एन इन्वेस्टर अगर आप किसी बॉटलर कंपनी में इन्वेस्टेड है या किसी बाहर अगर आप ऐसे ब्रांड में इन्वेस्टेड है, तो एज एन इन्वेस्टर वॉट आर द की थिंग्स दैट यू नीड टू ट्रैक। एंड फाइनली वी सॉ कि इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री बैरियर क्या है एंड क्यों आपको बॉटलर्स की जरूरत होती है, साथ साथ इसकी इंडस्ट्री के अंदर साइकोलॉजी के क्या क्या मेंटल मॉडल्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। होपफुली दिस वॉज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी फॉर यू, बिकॉज वैसे इन्वेस्टिंग में जो बिजनेस एनालिसिस होते हैं कभी कभी बहुत बोरिंग हो जाते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरटेनिंग इंडस्ट्रीज एंड होपफुली आपको काफी चीजें से समझ आई होंगी। Thank you so much for joining us once again. If you love this video, just drop a hell yes in the comment section below. See you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.